तो यार आपका स्वागत है एक और नई फ्रेश टेक वीडियो में। और आज हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A6S की। तो खैर यार, इस वीडियो में हम इसके ऊपर पहले इसकी स्पेक्स की बात करेंगे और इसके ऊपर करेंगे एक छोटा सा डिस्कशन। तो इस यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो चलो यार, सभा को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो भाई इसमें आप डिसिम डाल पाओगे GSM, HSP और LTE, यानी कि साफ तौर पे मैं कह सकता हूँ ये भाई एक 4G फोन है। देन आगे बढ़ जाता है सीधे सीधे इसके डायमेंशन की तरफ, जो कि होने वाला है कुछ 156.1 × 76.4 × 8.4 mm का। उसके बाद यार इसके सिम स्लॉट्स की बात करो तो ये होने वाला हाइब्रिड डुअल सिम स्लॉट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप डाल पाओगे एक नैनो सिम और एक होगा डुअल स्टैंड बाय। आगे आ जाता है इसके डिस्प्ले टाइप की तरफ, जो कि होने वाला है IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन 69 कलर के साथ। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है, एक फोकस करने वाली बात है कि भाई IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन कुछ लोग लेते हैं, भाई कोई बात नहीं चलता है सब कुछ, लेकिन कुछ लोगों के लिए भाई ये एक बहुत ही मेन पॉइंट आ जाता है कि भाई स्क्रीन टाइप अच्छी नहीं थी या फिर भाई ये नहीं ये दे देते। तो ये एक देखने वाली बात है, इसमें मिल जाएगा आपको IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन। खैर आगे बढ़ जाता है इसके स्क्रीन साइज की तरफ, जो कि आपको मिल जाएगा 6 inches का, सेंटीमीटर स्क्वायर में कहो तो भाई होगा 92.9 cm². तो ये भी ठीक है यार। आगे बात कर लेता हूँ इसके रिजोल्यूशन की तरफ, तो भाई रिजोल्यूशन जो होने वाला है इसका होगा 1080 पिक्सल्स इंटू 2160 पिक्सल्स। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि भाई आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन जो मिलने वाला है वो मिलेगा 2K का, जो कि मेरे हिसाब से सफिशियंट है, हर फोन में आजकल यही मिल रहा है। और जो ये रेशियो दिया हुआ है इन लोगों ने, ये परफेक्ट रेशियो है। देन आगे बढ़ जाता है सीधे सीधे इसके OS की तरफ, जो कि आपको मिल जाएगा Android 8.0, यानी कि एंड्रॉइड ओरियो। अब ये भाई एंड्रॉइड 9.0 यानी कि एंड्रॉइड पाई में कब अपग्रेडेबल होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भाई साफ तौर पे देखो यार अब तक जो लेटेस्ट फोन आए हुए हैं इसके, उसमें तो एंड्रॉइड 9.0 आ नहीं रहा है। तो इसमें तो एक्सपेक्ट करना बहुत ही दूर की बात है। आगे बात कर लेता हूँ CPU की, तो इसमें आपको मिल जाएगा ऑक्टाकोर 2.2 GHz की स्पीड के साथ, बाकी यार डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे बढ़ जाता है मेमोरी कार्ड स्लॉट्स की तरफ, जिसमें भाई ये होने वाला है 512 GB तक एक्सपांडेबल, यानी कि भाई ये अच्छी बात है, क्योंकि यार एक्सपांडेबल 512 GB ना तो कुछ ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड स्टाइल है। आगे बढ़ जाता है इसके इंटरनल की तरफ, जिसमें आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे, एक होगा 6 GB RAM 64 GB इंटरनल और दूसरा होगा 6 GB RAM 128 GB इंटरनल। यानी कि देखा जाए तो यार हर प्रोस्पेक्टिव में आपको 6 GB की रैम मिलने वाली है, और साथ ही साथ इसमें आपकी आगे चॉइस होगी कि आप 64 GB वाला वेरियंट लेते हो या फिर 128 GB वाला वेरियंट। आगे बढ़ जाता हूँ यार इसके कैमरा की तरफ, मेन कैमरा यानी कि रेयर कैमरा की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, जो कि होने वाले हैं डुअल कैमरा और दोनों ही होने वाले 12 MP के और दोनों ही PDAF होंगे। अब यहाँ पे एक गौर फरमाने वाली बात यह आ जाती है कि एक अलग से डेप्थ सेंसर नहीं है, या फिर मैं कहूँ एक अलग से स्टैंडर्ड कैमरा नहीं है, या फिर एक वाइड रेंज को कवर नहीं कर रहा। तो खैर ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन यार PDAF है, दोनों चलता है। खैर आगे बढ़ जाता हूँ सीधे सीधे इसके फीचर्स की तरफ, तो फीचर्स में आपको मिल जाएगा LED फ्लैश, पैनोरमा और HDR, जो कि एक स्टैंडर्ड चीज है, हर फोन में मिलती है। आगे बढ़ जाता हूँ इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ, जो कि होने वाले 2160 पिक्सल एट द रेट ऑफ 30 FPS और 1080 पिक्सल्स एट द रेट ऑफ 30 FPS। तो यहाँ पे फिर से एक देखने वाली बात यहाँ पे यह आ जाती है कि भाई ये 60 FPS तक नहीं जा रहा है, यानी कि आप बहुत ही हाई स्लो नहीं कर सकते या फिर स्लो भी नहीं कर सकते वीडियो को। वीडियो जैसे रिकॉर्ड हो रही है आप उसको वैसे देखोगे, स्लो करोगे यार वो लैग टाइम लगेगा, वो स्लो नहीं होगा। आगे बात कर लेता हूँ यार इसकी सेल्फी कैमरा की, जो कि होने वाला है 5 MP का, और इसकी और डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जहां तक लग रहा है ये वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा 1080 पिक्सल्स एट द रेट ऑफ 30 FPS, जो कि सफिशियंट होता है। आगे बढ़ जाता हूँ यार इसके साउंड में आपको मिल जाएगा 3.5 mm का जैक, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विद डेडिकेटेड माइक। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भाई ये हमें दे रहा है 3.5 mm का जैक, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यार ये मस्ट है, क्योंकि काफी सारे फोन्स में जो अभी रिलीज हो रहे हैं उनके अंदर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी ब्लूटूथ की, तो इसमें ब्लूटूथ में आपको मिल जाएगा 5.0, जो कि फिर से एक लेटेस्ट चीज है, यानी कि भाई 5.0 इज इनफ यार, उससे ज्यादा है भी क्या। अभी 5.1 था, जो कि मैंने अभी कुछ एक फोन रिव्यू किया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सा फोन था, उसमें 5.1 था और इसमें आपको 5.0 मिल रहा है, यानी कि यार ये सबसे लेटेस्ट है, इट इज गुड। देन भाई USB में मिल जाएगा आपको 2.0 टाइप सी 1.0 रिवर्सेबल कनेक्टर। तो यहाँ पे यार आप देख सकते हो मार्केट के अंदर 3.0 चल रहा है फिलहाल, लेकिन 2.0 दे रहा है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे बात कर लेते हैं इसके सेंसर की तरफ, तो भाई सेंसर में आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि होने वाला है एक रेयर माउंटेड, यानी कि पीछे की तरफ को आपको
मिलने वाला है फिंगरप्रिंट सेंसर, देन भाई इसमें आपको मिल जाए एक्सलेट सेंसर, जायरोमीटर, प्रॉक्सिमेट सेंसर और साथ साथ ई कंपस भी। आगे बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही पता है कि लियोन बैटरी होने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई होने वाली 3000 mAh की, कुछ लोग कह रहे हैं 4000 की, कुछ तो कह रहे हैं 5000 की भी, तो इतना तो खैर नहीं जाएगा जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हाँ 3000-4000 के बीचों बीच रहेगी। आगे बढ़ जाता हूँ यार इसके कलर वेरिएंट्स के ऊपर, जो कि आपको मिल जाएंगे ब्लैक, व्हाइट और ब्लू और पिंक। तो ये थे 4 कलर वेरिएंट्स और मैंने बाकी सब कुछ बता दिया आपको जो जो इन्फॉर्मेशन थी। तब यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं और कुछ एक ड्रॉबैक टाइप पे भी मैं कह सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो निकल के आ रही है भाई वो ये है कि इसमें आपको रिजोल्यूशन मिलने वाला है वो है 1080 पिक्सल्स इन 2160 पिक्सल्स, जो कि 2K की रिजोल्यूशन है जो कि सफिशिएंट है। देन बात कर लेता हूँ OS की, तो इसमें आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 8.0 यानी कि एंड्रॉइड ओरियो। तो यहाँ पे फिर से एक देखने वाली बात यह आ जाती है कि भाई सैमसंग ढीला है OS के मामले में, जैसे कि ये बात सबको पता है। तो भाई यहाँ पे देखो तो ये चीज़ खतरनाक है, क्योंकि फिर आपको पता नहीं ना एंड्रॉइड 9.0 कब आएगी आपके इस फोन में, तो ये चीज़ थोड़ी सोचने वाली है। देन भाई इसके डुअल कैमरा में आ जाते हैं, तो उसमें आपको दोनों 12 मेगापिक्सल की मिल रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई डेप्थ सेंसर या फिर वाइड रेंज कवर करने के लिए या फिर कोई स्टैंडर्ड कैमरा नहीं मिल रहा है या फिर कोई नो AF भी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आगे बात कर लेता हूँ यार इसकी जो रिकॉर्डिंग करने वाला है ये 30 FPS के ऊपर जा ही नहीं रहा, यानी कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्लो नहीं कर सकते, तो ये चीज़ एक जो है अनफेवरेबल है। ऊपर से USB में आपको मिल रहा है 2.0 Type-C 1.0 रिवर्सिबल कनेक्टर। तो भाई जो स्पेसिक्स इन लोगों ने यहाँ पर दे रखे हैं उसके हिसाब से तो मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि ये फ़ोन भाई एक स्टैंडर्ड मिड रेंज से थोड़ा सा कम फोन होने वाला है, यानी कि तकरीबन 10,000-15,000 के आसपास, उससे ज़्यादा होता है तो यार ये डिजर्व नहीं करता खरीदना, मतलब इसे खरीदना डिजर्विंग नहीं है। या फिर जो भी है आप देख लो अब आपको क्या करता है, क्या लगता है भाई ये फ़ोन कैसा है कैसा नहीं है। मुझे ऊपर वोटिंग मतलब एक वोट मैंने पोल दिया हुआ है, कार्ड दे रखा है, एक शो भी हो चुका होगा, उसमें जाकर यार वोट करो आपको ये फ़ोन पसंद आ रहा है या नहीं, अब देखते यार। और नीचे कमेंट करो साथ साथ कि भाई आपको क्या लगता है इस फ़ोन में क्या होना चाहिए था क्या नहीं दिया। ऊपर से इसकी नोच वगैरह आपको पता ही है भाई, दिख ही रहा है अपनी स्क्रीन पर कि इसकी नोच आपको कोई नहीं मिलने वाली, एक नॉर्मल बेजल डिज़ाइन मिलने वाला है, बेजललेस डिज़ाइन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए वो नहीं मिलने वाला है। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फेसबुक पे करो, व्हाट्सअप पे करो, जहाँ करना है करो, लेकिन एक बार शेयर ज़रूर कर दो। उसके बाद यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई, ये तो बहुत सफिशिएंट एक नेसेसरी चीज़ है। और बाय बाय।